ये हम हमारा सौभाग्य समझते हैं और हमारी नगर पालिका की टीम जिसने मिल के संगत हम कर रहे हैं काम। और आज जो बूढ़े बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिला, मेरे पिताजी के मित्र आदरणीय मान खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, और बैंड बाजों की जहाँ तक बात है, जिस व्यक्ति को 20 सालों में इंतज़ार करते करते पट्टा मिलेगा और उस खुशी का क्या इजहार होगा, ये आप लोगों ने आज देखा है। और मैं और मेरी नगर पालिका और मेरे ईओ साहब और मेरी टीम मेरे साथी पार्षदों के साथ मिलके, और जो हम हर वार्ड में पट्टा देने का काम कर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों का विशेष तौर से हम ख्याल रख रहे हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग कैंप में नहीं आ सकते उनके घर जाके हम पट्टे देने का काम कर रहे हैं, और हम हमारे विधायक अनिल जी, भवनलाल जी शर्मा और अनिल जी शर्मा के सपनों को पूरा करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। इसका सुरक्षक हूँ, ठीक है ना, इसलिए इस खुशी में मुझे पट्टा मिला है। श्री राजकरण जी ऐसे महान आदमी पैदा हुए, हमें पट्टे मिले 20-20 साल से, हमें बहुत खुशी है। राजेश जी पारिक है ना, हमारे 20 साल से काम कर रहे हैं सरदार सर के अंदर वार्ड नंबर 24 के अंदर, बाकी 20 साल के अंदर कोई वार्ड पार्षद हमारे काम नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद गफार खान मंगतू बैंड सरदार सर। ये प्रशासन शहरों के संघ अभियान जैसा आपको विदित है 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुआ था। सरदार सर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद पर अभी 13 मई को ही मैंने कार्य ग्रहण किया है, और जैसे ही मैंने कार्य ग्रहण किया दूसरा चरण 5 मई को ही यहाँ प्रारंभ हुआ है प्रदेश भर में। तो यहाँ काफ़ी पत्रावलियाँ पेंडिंग थी, विशेषकर आबादी भूमि में 69A और स्टेट ग्रांट की, और हमारे जनप्रतिनिधि चेयरमैन साहब से हमने विचार विमर्श किया, और जो वार्ड का जो प्रोग्राम है इसमें प्रत्येक वार्ड में पार्षदों का अभूतपूर्व हमें सहयोग मिल रहा है। और देखने में ये आया कि 2016-17 के जो पूर्व कैंप थे उस समय के पट्टे भी पत्रावलियाँ काफ़ी लंबित थी और उनमें विशेषकर काफ़ी पेचीदगियाँ थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल से अप्रैल माह में जो अभी 69A और स्टेट ग्रांट A में जो परिवर्तन किया, कि विशेषकर 69A में कि दिसंबर 2018 के पूर्व के जो नल बिजली के बिल हैं, वोटर लिस्ट है और 2 रहवासियों के अड़ोस पड़ोस के लोगों के शपथ पत्र हैं, या नगर पालिका का कोई गृहकर, नगरीय विकास कर या इत्यादि कोई पत्राचार का रसीद है, उसके आधार पर पट्टे दिए जाएं, और उसी का लाभ अब लोगों को मिल रहा है। अभी मेरे कार्यग्रहण करने से अब तक करीबन 25 दिन में 250 पट्टों का वितरण चेयरमैन साहब और पार्षदों के सहयोग से हम कर पाएँ। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का सहयोग जनप्रतिनिधियों से, आमजनों से मिलेगा, ताकि जो कमी पूर्ति वाली पत्रावलियाँ हैं उनको हम निकलवा रहे हैं, उनमें आमजनों को सहयोग लेकर उनकी पूर्तियाँ करवाकर राज्य सरकार के मापदंडानुसार पात्रता पाए जाने पर हम शीघ्रता से पट्टों का निस्तारण करेंगे। धन्यवाद।